तुम्हें क्या लगता है ये भेड़िये ने मुझे ही क्यों काटा है? हो सकता है कि वो भेड़िया एक्चुअली तुम्हें मारना चाहता हो। तो यारो भरो, नमन की नई मूवी भेड़िया का ट्रेलर आ गया है। ट्रेलर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, जिसे देख के अभी तो अच्छी वाइब्स ही आ रही हैं। तो भेड़िया एक हॉरर कॉमेडी मूवी होने वाली है, जिसे डायरेक्ट किया है अमर कौशिक ने, और इन्होंने इससे पहले स्त्री जैसी हॉरर कॉमेडी मूवी भी डायरेक्ट की है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो बता दूं, भेड़िया मूवी का कनेक्शन स्त्री और रूही से होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके मूवी मेकर्स एक सिनेमेटिक यूनिवर्स बना रहे हैं, जिसका तीसरा प्रोजेक्ट भेड़िया मूवी होगी। और इस यूनिवर्स की और भी मूवी अनाउंस कर दी गई है, जैसे कि मूंजा, स्त्री 2 और सुनहरी सुनहरा। तो इन सब मूवीज पे भी काम चल रहा है। तो भेड़िया मूवी कहानी अरुणाचल प्रदेश की एक छोटे से शहर की है, जिसमें जंगल में एक दिन वरुण धवन के कैरेक्टर भास्कर को एक भेड़िया काट लेता है, जिसकी वजह से उनमें जेनेटिक चेंजेस आने लगते हैं और उसे एक वेयरवुल्फ की पावर मिल जाती है। यही नहीं, उसमें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और सुपर स्पीड भी आ जाती है, और रात को वो एक प्रॉपर वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस मूवी में वरुण धवन के कैरेक्टर भास्कर की एबिलिटीज के दो चेहरे हैं, दिन में एक ह्यूमन और रात को एक प्रेडिएटर। अब क्या भास्कर इससे ठीक हो पाएगा या अपनी सुपर पावर्स को यूज करेगा एज ए हीरो बनके? खैर, ये तो हमें मूवी में पता चलेगा। ऐसा कॉन्सेप्ट बॉलीवुड मूवीज में इससे पहले कभी यूज नहीं हुआ, इसलिए मैं इसे अप्रिशिएट भी करता हूँ। अब बात करें विजुअल्स की, तो इसकी सिनेमेटोग्राफी काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। मूवी में जंगल वगैरह दिखाने के लिए CGI का यूज नहीं किया गया, बल्कि एक्चुअल लोकेशन पे जाके शूट किया गया है, अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में। ट्रेलर को देख के इसका VFX अभी तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जितने भी शॉट्स ट्रेलर में दिखाए गए हैं आप उससे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। ऊपर से इसे 3D में भी रिलीज किया जाएगा। बात करें इसके बजट को लेके, तो इंटरनेट पे ज्यादा कुछ नहीं मिला, पर इतना तो पता है कि आदि से कम बजट में बनी है ये। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? कुछ शॉट्स तो काफी ज्यादा अच्छी है। वरुण धवन के वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होने पे हमें दिख रहा है कि उसकी रीढ़ की हड्डी में काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, जो देखने में बवाल लग रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग भेड़िया मूवी के विजुअल्स MPC स्टूडियो प्रोवाइड कर रहा है। मूविंग पिक्चर कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, जो विजुअल्स इफेक्ट, CGI और मोशन डिजाइन प्रोवाइड कराती है, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है, और इन्होंने काफी ज्यादा फेमस मूवीज पे काम किया है, जैसे कि जंगल बुक, द लायन किंग, लाइफ ऑफ पाई, जस्टिस लीग और ना जाने कितनी फेमस मूवीज भी। तो अच्छे विजुअल्स और सिनेमेटोग्राफी इस मूवी से एक्सपेक्ट की जा सकती है। मूवी हॉरर कॉमेडी है, तो ट्रेलर में काफी ज्यादा हॉरर एलिमेंट है, बट कॉमेडी मुझे डिसेंट सी लगी। ओवरऑल ये ट्रेलर प्रॉमिसिंग लग रहा है, कुछ भी दिखाओ बस मजा आना चाहिए। खैर, ये तो मूवी देख के ही पता लगेगा कि ये कैसी होने वाली है। आपको इस मूवी से क्या उम्मीद है और क्या आप इस मूवी को देखने जाओगे, मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप डूइंग ग्रेट। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। एकदम पीछे से भड्डी हो गई, देख।